नमस्कार, मैं राम एपेक्स कोचिंग्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। आपने हमारी पिछली वीडियो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की देखी होगी, जिसमें मैंने बिल्कुल आपको बेसिक चीज़ें बताई थी, और आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अब हम रूल्स, अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप प्लीज़ पहले पिछली वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर करेंगे कि इसमें कौन सा आंसर है इसका और कौन सा आंसर नहीं होगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिया था, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, यहाँ पर हमें चार स्टेटमेंट गिवन है। वैसे हमें स्टेटमेंट दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, चार भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है, और यहाँ पर कंक्लूजन भी हमें कितने दिए हुए हैं, चार ही दिए हुए हैं। तो इसमें से हमें सिर्फ ये बताना कि कौन सा कंक्लूजन आपका ठीक होगा और कौन सा गलत होगा। सबसे पहला देखिए, ऑल का मतलब होता है 150, सेकंड स्टेटमेंट में भी ऑल है, थर्ड में आपका सम है, तो सम का मतलब होता है 50-50। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, मैं एक बार फिर इस क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, उसके बाद हम इसमें लिखना बंद कर देंगे। ऑल का मतलब होता है 50-100, तो ये जो पहले वाला जो है, सॉरी 150, तो पहले वाला जो है हमारा 100 हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 50। फिर से ऑल दे रखा है, ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 50। फिर आपको दे रखा है सम, सम का मतलब कितना होता है, 50-50, तो ये आपका 50-50 हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है सम, सम मीन्स ये भी आपका 50 और ये भी आपका 50। सेम वैसे हम कंक्लूजन की बात करते हैं, सबसे पहले कंक्लूजन हमारा सम वाला, तो सम का मतलब होता है 50-50। सेकंड कंक्लूजन हमारा ऑल वाला, ऑल मीन्स 150। थर्ड आपका सम, सम का मतलब फिर से 50-50, फिर से ऑल मीन्स 150। देखिए, स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं चार, चार कंक्लूजन दे रखे हैं, तो इस बार हम सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कंक्लूजन है कि सम मेल आर बॉय, कुछ मेल बॉय हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन है या फिर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट से। डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताया था कि अगर जो स्टेटमेंट, अगर किसी भी कंक्लूजन का जवाब, सबको बताया था कि जो स्टेटमेंट हमारी होती है वही आपसे कंक्लूजन में नहीं पूछा जाएगा, तो ये आपकी रीस्टेटमेंट हो जाएगी, और रीस्टेटमेंट ऑलवेज रॉन्ग हो जाएगी, तो ये रीस्टेटमेंट आपकी गलत मानी जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, धीरे धीरे करके हम जो ये 150 है ये सब लिखना बंद करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आपको स्टेटमेंट भी पढ़नी है, कंक्लूजन भी देखना है, तो सबसे पहले आप कंक्लूजन ही देखिए कि कंक्लूजन में पूछा क्या गया है। और ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट ऑल वाली है, कंक्लूजन सम वाला है, तो वो वैसे ही ठीक होगा। जैसे पहला कंक्लूजन हमें दे रखा है कि सम ट्रेन आर पेंसिल, तो हमें ट्रेन और पेंसिल देखनी कि देखिए, ट्रेन हमारे पास सिर्फ यहाँ पर है और पेंसिल आपके पास यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आपको कम से कम स्टेटमेंट मर्ज करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करनी। और मर्ज करने के लिए यहाँ पर ऑड्स कॉमन है, तो सबसे पहले तो आपको ये मर्ज करना पड़ेगा, और यहाँ पर ऑड्स जो है वो 50 कमा रहा है, यहाँ भी ऑड्स जो है वो आपका 50 कमा रहा है, तो क्या ये मर्ज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब मर्ज नहीं हो सकता तो फिर हम ट्रेन और पेंसिल के बारे में जवाब नहीं दे सकते, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सम पेन आर ऑड्स, तो देखिए ऑड्स हमारा यहाँ पर है, यहाँ भी है, और पेन जो है हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, तो हम यहाँ से मर्ज करने के लिए हमें इस वाली स्टेटमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑड्स रहा, ये पेन रहा, तो हम डायरेक्ट इसको मर्ज करेंगे, बीच वाली स्टेटमेंट हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पेन से पेन कॉमन है, क्या मर्ज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये पेन आपका 100 कमा रहा है, तो पेन 100 कमा रहा है, यहाँ पर 50 कमा रहा है। तो अब हमें पेंसिल और ऑड्स के बारे में जानना है, तो ये पेंसिल जो हमारी वो 50 रुपये कमा रही है, और ये ऑड्स हमारे 50 रुपये कमा रहे हैं, और खर्च भी कितने करने हैं इनको, सम मतलब 50-50 खर्च करने, तो क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, जो कॉमन है वो स्टेटमेंट सिर्फ मर्ज करने के लिए देखते हैं कि स्टेटमेंट मर्ज करके जवाब दे सकते या नहीं दे सकते, तो जवाब दे सकते थे, तो हमें बस वही देखना था कि कौन कितने कमा रहा और कितने खर्च कर रहा है। लास्ट देखिए, ट्रेन और गेम। अब देखिए, ट्रेन और गेम, जब हम ट्रेन के लिए हमें कहाँ पे जाना था, पहले वाले में पेंसिल के लिए, यानी कि यहाँ पर जब जाना था तभी हम नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ कॉमन करना पड़ेगा तभी हम उधर पहुँच पाएंगे। तो जब हम ट्रेन से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे पेंसिल तक, तो फिर पेन तक क्या पहुँचेंगे, सॉरी गेम तक क्या पहुँचेंगे? नहीं पहुँच सकते, तो नहीं पहुँच सकते थे, ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर कौन सा कंक्लूजन सही है? ओनली बी कंक्लूजन ट्रू है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर देखिए बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, यहां पर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट भी दे रखी है, नेगेटिव भी दे रखी है, कंक्लूजन में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सब मिलेंगे। यहां पर मैंने 5 कंक्लूजन आपको दिए हुए, तो आपको बस यहां पर यह बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट जो है वो 2 नेगेटिव हैं और 2 पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव वाली सम वाली है, नेगेटिव वाली नो वाली। और जो आपका कंक्लूजन दे रखा है, सबसे पहले हम कंक्लूजन ही देखते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन है हमारा सम वुमेन आर चेयर। तो वुमेन और चेयर आपको ढूंढनी है कि वुमेन और चेयर आपकी कहाँ पर है। तो देखिए वुमेन एक यहाँ पर है, एक वुमेन आपकी यहाँ पर है, तो चेयर ये रही। तो ये तो हमारी डायरेक्ट स्टेटमेंट से हम इसका आंसर दे सकते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। और डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है हमारी, ये जो स्टेटमेंट आपकी वो आपको नेगेटिव दे रखी है और कंक्लूजन जो आपका वो पॉजिटिव दे रखा है। तो जो पहला रूल है नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, सम चेयर आर मैन। अब चेयर और मैन, मैन जो है वो सबसे ऊपर ही ऊपर है और चेयर जो है वो उससे नीचे भी है। तो यहां पर जो है, यहां पर दोनों में वुमेन वुमेन जो है वो कॉमन है और एक वुमेन का 100 होना जरूरी था, वो 100 है तो ये मर्ज तो हो सकता है। लेकिन ये स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अगर दोनों स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है, तो मैंने बताया था कि अगर दोनों स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है तो आपका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, नो कंक्लूजन। तो ये वैसे ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। और अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन आपका नेगेटिव आता है। तो ये अगर आप लोगों पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें ये सारी चीजें आपको बताई गई है। अगला देखते हैं डॉग एंड मैन। तो डॉग एंड मैन के बारे में अगर जानते हैं तो देखिए डॉग ये रहा, मैन ये रहा, डॉग यहाँ भी है, वुमेन ये रहा। तो यहां से सिर्फ हमें ये 2 स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी और ये मर्ज हो जाएगा आपका। वुमेन वुमेन कॉमन है, यहां पर वुमेन 50 कमा रही है, यहां पर वुमेन 100 कमा रही है, तो एक वुमेन का 100 होना जरूरी था, वो है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी मर्ज हो जाएंगी और ये स्टेटमेंट जो आपकी ये पॉजिटिव है और ये स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है। तो आपका जो जवाब आना चाहिए वो आपका नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि एक स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और यहां पर कंक्लूजन क्या है, ये कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, इसलिए वैसे ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है नो चेयर इज मैन। अब चेयर और मैन के बारे में अगर हम जानते हैं तो देखिए मैन ये रहा, चेयर ये रही, कॉमन तो वुमेन है, बट जब नेगेटिव नेगेटिव होता है तो कोई कंक्लूजन नहीं आता, चाहे वो कंक्लूजन आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों ही आपके गलत माने जाएंगे। नेक्स्ट है सम डॉग आर नॉट मैन। तो देखिए डॉग और मैन, तो यहां पर डॉग और मैन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डॉग ये रहा, मैन ये रहा, मर्ज ये हो ही गया, मर्ज तो हो गया था। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि वुमेन वुमेन कॉमन है, एक वुमेन 100 भी है, लेकिन यहां पर ये स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, जो कि हमें यहां पर दे रखा है। कंक्लूजन हमारा क्या है, नेगेटिव ही है, ये देखिए नोट की वजह से नेगेटिव ही है कंक्लूजन। अब यहां पर हमें डॉग जो है वो कितने कमा रहा है, यहां पर 50 कमा रहा है, सम का मतलब 50 होता है, 50 खर्च करने हैं बिल्कुल कर सकता है। मैन यहां पर कितने खर्च कर रहा है, 100 खर्च कर रहा है, और यहां पर कमा भी कितने रहा है, 100 कमा रहा है, तो 100 खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। उससे अगला देखिए नो वुमेन इज डॉग, कोई भी वुमेन डॉग नहीं है। तो देखिए डॉग और वुमेन ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट से, और डायरेक्ट स्टेटमेंट अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको समझ में आए होंगे। अगला जो है टाइप हम इसी में स्टार्ट कर रहे हैं, आइदर और केस, या तो ये या वो। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखा जाएगा, आप अगर देखा जाए तो यहां भी आपको एक स्टेटमेंट, जो पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी आइदर और केस लग रहा है, लेकिन मैंने बताया नहीं था, एक क्वेश्चन में लग रहा था, लेकिन वो अब जब आइदर और केस की कंडीशंस हम पढ़ते हैं, ये कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई है, उसके बाद आइदर और केस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आइदर और केस होता क्या, आइदर और केस में ये होता है कि अगर आपको 2 चीज़ों के बारे में रिलेशन नहीं पता है कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, तो वहां पर आप कह सकते हो कि यानी कि ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो या फिर ऐसा होगा कि एक बार आपको लग रहा होगा नहीं सही है, एक बार आपको लग रहा होगा नहीं ये गलत है, या फिर आपको लग रहा है या तो सही है या गलत है, तो दोनों में से एक सही होना चाहिए।
जैसे कि कंडीशन देखते हैं, कंडीशन के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। आइदर और केस की जो कंडीशन है, पहली कंडीशन आपको दे रखी है एलिमेंट मस्ट बी सेम इन कंक्लूजन, एलिमेंट जो है नाम जो है वो आपके सेम होने चाहिए कंक्लूजन में। दूसरा आपको दे रखा है कि वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव, एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन दे रखी है आपको बोथ कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स, दोनों ही कंक्लूजन आपके क्या होने चाहिए, गलत निकलने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला जो कंक्लूजन का एग्जाम्पल है ये आपका कंक्लूजन जो आपको दिया होगा उसमें दिया होगा कि सम पेन आर पेंसिल्स। देखिए पेन पेंसिल, पेन पेंसिल, पहली कंडीशन तो ये थी कि नाम सेम होने चाहिए और नाम जो है वो इसी पोजिशन पे होने चाहिए। अलग अलग हो सकते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे कि हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बट सबसे पहली जरूरी चीज जो है नाम जो आपके दोनों कंक्लूजन में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। और तीसरी जो कंडीशन थी, जब हम यहां पर हमें स्टेटमेंट नहीं दे रखी हम चेक नहीं कर सकते, अगर स्टेटमेंट अगर देखा जाएगा तो ये स्टेटमेंट के बेसिस पे ये दोनों के दोनों क्या निकलने चाहिए, आपके गलत निकलने चाहिए किसी भी रूल से, चाहे वो 150 की वजह से हो या वो मर्ज नहीं हो रहे हो या वो पॉजिटिव या नेगेटिव की वजह से हो। एंड फोर्थ कंडीशन आपको दे रखी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आर ओनली थ्री, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जो होते हैं वो सिर्फ तीन के बीच में ही बनेगा ये पेयर आइदर और वाला। वो किस किस में बनेगा, जिसमें सबसे पहला आपको दे रखा है रिलेशन जो बनेगा बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये जो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑल को जो है हमने सबसे एक नंबर पे ऊपर रखा था, इसको हमने फर्स्ट दे दिया, फिर ये आपको दे रखा सम नोट, सम नोट जो है वो थर्ड नंबर पे था, ऑल एंड सम नोट यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में। दूसरा जो रिलेशन आपका बनेगा बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड जो है वो हमने सम रखा था, मैं फिर से लिख रहा हूं, फर्स्ट पे हमने रखा था ऑल, सेकेंड पे हमने रखा था सम और थर्ड पे हमने रखा था सम नॉट और फोर्थ वाले पे हमने रखा हुआ था नो। तो ये थे वे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी भी दे सकते हैं, ए आई ओ भी दे सकते हैं या ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करेंगे। तो यहां पर आपको देखा सम और सम नोट यानी कि सेकंड और थर्ड। तीसरा जो रिलेशन बनेगा हमारा सेकंड और फोर्थ के बीच में, सेकंड में आपका सम आएगा और फोर्थ जो है वो कौन सा है, नो वाला। तो देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताई थी कि यहाँ पर दो जो नाम हैं वो अपनी ही पोजिशन पे होने चाहिए, अगर अपनी पोजिशन पे नहीं होते हैं, अगर हमें उनको चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो हम उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो चेंज कर सकते हैं वो सिर्फ किस किस में चेंज कर सकते हैं, एक इस वाले में और एक इस वाले में, यानी कि सम और सम नोट में चेंज कर सकते हैं, सम और नो में चेंज कर सकते हैं, ऑल और सम नोट में नाम चेंज नहीं कर सकते। अगर नाम चेंज नहीं होंगे तो फिर ये हमारा आइदर और केस में नहीं बनेगा, अगर गलत है तो गलत होंगे, सही होंगे तो सही होंगे। ये नाम कैसे चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। उससे पहले हम एक और स्पेशल पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ हमें कि पॉइंट टू बी नोटेड, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी इन कंक्लूजन नेवर चेक फॉर आइदर और केस। अगर यहाँ संभावना वाला केस आपको दिया होगा कंक्लूजन संभावना वाला, तो वो कभी भी आइदर और केस में चेक नहीं करते। जैसे कि मैं यहां पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हम चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट आपको बताता हूं कि फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल वाली, ऑल ए आर बी, एंड यहां पर हमारा जो आपको यहां पर दिया गया था, एक सेकंड देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड, तो थर्ड जो होता है वो सम नोट वाला होता है, तो सम नोट वाला क्या होगा कि सम ए आर नोट बी। तो देखिए ऑल का मतलब होता है 150 और सम का मतलब होता है 50, लेकिन सम नोट का मतलब होता है 50 100। क्या अगर ये नाम मुझे आगे पीछे दे दें, जैसे कि यहाँ ए की जगह मैं यहाँ पर आपका बी रखता हूँ और यहाँ बी की जगह ए रखता हूँ, तो जैसे मैंने आपको बोला था कंक्लूजन में नाम सेम होने चाहिए, ए और बी है, ए और बी है, नाम सेम है लेकिन अपनी अपनी पोजीशन पे नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए पहले वाले को चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्या मैं इसको यहाँ पर बी रख सकता हूँ कि ऑल बी आर ए, नहीं कर सकता क्योंकि अब यहाँ पर 200 हो गया और A 50 हो गया जो कि गलत हो जाएगा, चेंज नहीं हो सकता। दूसरा अगर हम देखा जाए
कि सम नॉट वाले को चेंज करके देखते हैं, तो बी की जगह मैं ए रखता हूं कि सम ए आर नॉट बी, तो यहां पर ए जो है वो हमारा 50 हो जाएगा और बी जो है वो 100 हो जाएगा, लेकिन यहां पर बी हमारा 50 था, ए 100 था, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए ना तो फर्स्ट वाला आपका चेंज हो सकता है और ना ही आपका कौन सा ये थर्ड वाला चेंज हो सकता है। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो आपके चेंज नहीं होंगे, अगर नाम अलग अलग दे रखे हैं तो वो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन उसके अलावा जो है, इसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, कि बस आपको इतना देखना है कि सेकंड और थर्ड आपको दे रखा है, तो थर्ड तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, लेकिन सेकंड वाला क्या चेंज कर सकते हैं देखते हैं एक बार सेकंड वाला भी। तो सेकंड जो है वो हमारा कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट और कंक्लूजन रखा हुआ था, सम वाला, कि सम ए आर बी, तो यानी कि ये भी 50 और ये भी 50, और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं, अगर सम बी आर ए लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, तब भी तो वही है कि तो 50-50 तो है, सम का मतलब कुछ कुछ, तो यहां जहां कुछ कुछ होगा तो वहां पर कुछ कुछ आगे पीछे आप चेंज कर सकते हैं, तो यहां पर आपका नाम चेंज हो सकता है। तो सेकंड वाला जो है वो आप चेंज कर सकते हो, सेकंड वाला चेंज हो गया तो थर्ड वाले को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम दोनों के एक जगह ही आ जाएंगे। यहां भी हम सेकंड वाले को चेंज कर सकते हैं और फोर्थ वाले को करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि फोर्थ वाले में भी क्या होगा, दोनों 100-100 ही होंगे, तो आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हो, बट फर्स्ट वाला जो है आपका इसको आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ बी और ये जो सी मैंने लिखे हुए हैं इसको आप चेंज कर सकते हो, फर्स्ट वाले के नाम चेंज नहीं कर सकते, तो इस चीज का ध्यान रखिए। इसी के साथ हम आइदर और केस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और उनको करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टेटमेंट हमें दे रखी है, दो कंक्लूजन दे रखे हैं, सम टेबल आर चेयर, सम चेयर आर बाइक, ऑल बाइक आर बैट। तो देखिए बैट और टेबल के बीच में रिलेशन दे रखा, नाम आपके आगे पीछे दे रखे हैं, तो ये जो है सम वाला जो केस है वो हमारा सेकंड है, और आपको याद रखने के लिए कि किस में नाम हम चेंज कर सकते हैं किस में नहीं कर सकते, वो बस आप इतना सा ध्यान रखना, जिसमें आपका कंक्लूजन सेकंड वाला मिलेगा यानी कि सम वाला जो आपको मिल जाएगा आप सिर्फ उसी को चेंज कर सकते हो, बाकियों को चेंज नहीं कर सकते, तो सम वाले को हम चेंज कर सकते, तो हमें यहाँ पर नाम की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, और नाम दोनों के सेम है, टेबल टेबल भी है और बैट बैट भी है। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, वो भी हमारे पास में है, एक पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव भी है, नाम भी सेम है, नाम को हम चेंज भी कर सकते हैं। और थर्ड जो कंडीशन है वो हमारी ये है कि जो दोनों जो हैं कंक्लूजन आपके वो गलत निकलने चाहिए किसी भी रीजन से। अब बैट और टेबल के बारे में जानते हैं, देखिए बैट हमारे पास यहाँ पर है, टेबल हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ से बाइक जो है वो मर्ज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि बाइक हमारी 100 कमा रही है। उसके बाद यहाँ पर चेयर जो है वो 50 कमा रही है और यहाँ भी चेयर कितनी कमा रही है 50 कमा रही है, तो क्या ये चेयर चेयर कॉमन तो है लेकिन मर्ज हो सकती है, मर्ज नहीं हो सकती। जब ये मर्ज नहीं हो पाएगी तो हम टेबल और बेड तक नहीं पहुँच सकते, जब नहीं पहुँच सकते तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा जो है, अगर वैसे ही देखा जाए कि सारी की सारी स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव हो ही नहीं सकता, वैसे ही गलत हो गया, तो दोनों कंक्लूजन आपके यहाँ पर गलत निकल रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास सारी कंडीशन जो है आइदर और केस की वो फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन नाम सेम होनी चाहिए, बिल्कुल नाम सेम है। दूसरी कंडीशन एक स्टेटमेंट कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, तो एक पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव भी है, और चेक करने पर दोनों गलत निकलने चाहिए और दोनों के दोनों गलत भी निकले। इसी के साथ ये जो नाम आपके हैं वो अगर आगे पीछे सिक्वेंस एक जगह नहीं है तो हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट सेकंड वाली है, सेकंड वाली सम वाली, तो सम वाले को हम चेंज कर सकते थे। तो इसी तरह यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइदर वन और टू, या तो पहला सही है या दूसरा, आइदर ए और बी आर फॉलोइंग, या तो पहला सही है या दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट हमें दे रखी है कि ऑल पेन आर पेंसिल्स, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, सम इरेजर आर बुक, ऑल बुक्स आर कॉपी। तो हम कंक्लूजन पे ध्यान देते हैं कि सम इरेजर आर पेन एंड नो इरेजर इज पेन, तो यहां पर नाम दोनों के क्या हैं, सेम है, और एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव है और एक नेगेटिव भी है, और नाम अपनी जगह ही है, तो नाम का तो कोई फंडा ही नहीं है यहाँ पर कि आपको चेंज भी करना होगा। अब बस एक चीज निकलनी चाहिए कि इनको चेक करने पे दोनों गलत निकलनी चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं हम इरेजर और पेन। तो देखिए पेन हमारे पास सिर्फ यहाँ पर है, इरेजर हमारे पास यहाँ भी है, लेकिन ये पेंसिल से पेंसिल आपका मर्ज हो जाएगा, तो मर्ज हो सकता है क्योंकि नाम तो सेम है, बट एक पेंसिल का सो होना भी जरूरी था वो भी है, तो ये पेंसिल भी हमारी सो है
तो ये मर्ज तो हो गया, तो मर्ज हो गया तो पेन 100 रुपए कमा रहा है, यहाँ पर पेन को कितने खर्च करने हैं, 50 रुपए खर्च करने, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इरेजर यहाँ 50 कमा रहा है और खर्च भी कितने करने हैं, 50 करने हैं, तो क्या कर सकता है, जी बिल्कुल कर सकता है। तो पहला कंक्लूजन आपका सही हो गया। दूसरा कंक्लूजन जो है आपका नेगेटिव है, तो एक चीज बताइए कि जब स्टेटमेंट सारी की सारी पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो कंक्लूजन आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हमारे पास रूल ये था कि दोनों गलत निकलने चाहिए, यहां पर दोनों गलत नहीं निकले, तो पहला सही निकल गया, तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलोइंग, पहला कंक्लूजन अनुसरण करता है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट हमें दे रखी है कि सम टेबल आर चेयर, ऑल चेयर आर बुक्स, सम पीसी आर चेयर टेबल एंड बुक। तो इस ये जो स्टेटमेंट आपकी दे रखी है, इसको अलग अलग ना लिख के उसने एक साथ ही लिख दिया गया कि सम पीसी आर चेयर, फिर अलग से लिखता सम पीसी आर टेबल, फिर लिखता सम पीसी आर बुक। तो तीन स्टेटमेंट जो थी उनको एक ही में लिख दिया। और नेक्स्ट है आपका सम कॉपी आर पीसी। अब इनका जो कंक्लूजन आपको दे रखे हैं, वो कंक्लूजन आप देखिए कि बुक और कॉपी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए बुक यहां पर है, कॉपी ये रहा, यहाँ कॉपी है, यहाँ बुक है, तो नाम तो सेम है लेकिन नाम अपनी पोजीशन पे नहीं है, अलग अलग जगह है। तो क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते थे चेंज, अगर इसमें हमारे पास सेकंड वाला कंक्लूजन होता, यानी कि सम वाला। तो इसमें सम में ना तो ये है, क्योंकि ये सम नोट है, थर्ड वाला है, और ये ऑल वाला है, तो नाम चेंज नहीं हो सकते, तो ये आइदर और केस तो इसमें नहीं लगेगा, इसमें जो गलत है वो गलत है, जो सही होगा वो सही होगा। अगर दोनों गलत निकलते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, तो यहां पर लग जाएगा केस नाइदर नोर का, नाइदर वन नोर टू। देखते हैं बुक और कॉपी। तो देखिए बुक और कॉपी आपको यहां पर कहां मिल रहे हैं, कॉपी तो आपके पास एक ही जगह है, बुक जो है वो आपके पास दो जगह है। तो यहां पर देखिए ये पीसी से पीसी कॉमन है, पीसी पीसी, तो हम इसको मर्ज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पीसी 50 कमा रहा है, यहाँ भी पीसी 50 कमा रहा है, तो 50-50 कमा रहे हैं, कॉमन है, लेकिन ये दोनों मर्ज नहीं हो सकते। तो मर्ज नहीं हो सकते तो बुक और कॉपी के बारे में हम रिलेशन नहीं बता सकते, तो नहीं बता सकते तो ये गलत हो जाएगा। और सॉरी ये तो वैसे भी गलत था, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर दे रखा था नॉट नेगेटिव, तो नेगेटिव वाली जो कंक्लूजन आपको दे रखा है, देखिए सारी स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता। और जब मर्ज नहीं होंगे तो हम यहां भी कॉपी और बुक के बारे में रिलेशन नहीं बता सकते, तो यहां पर हमारे दोनों ही कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। तो ध्यान रखना यहां पर आइदर और नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा नाइदर नॉर, और नाइदर नॉर भी पढ़ेंगे हम। और ये एक और क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं, जैसे कि अगला ही क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ऑल टी आर कॉफी, सम कॉफी आर नॉट कोल्ड ड्रिंक, ओनली टी आर हॉट डॉग। तो यहां पर जो हमें दे रखा है कि ओनली टी आर हॉट डॉग, इसका मतलब ये है कि हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, ये ओनली वाली जो स्टेटमेंट होती है, इसका मतलब है कि केवल चाय ही को जो है वो हॉट डॉग है। तो ये इसका मतलब, अगर इसको हम रिपीट करना चाहें तो ये होता है इसका मतलब कि ऑल हॉट डॉग आर टी, ओनली का मतलब ये हो जाएगा ऑल हॉट डॉग आर टी। अब यहां पर देखिए नाम जो है हमारे पास हॉट डॉग कोल्ड ड्रिंक, हॉट डॉग कोल्ड ड्रिंक आगे पीछे, बट ये जो बी जो हमारे पास, ये सम वाली स्टेटमेंट है, और सम वाली स्टेटमेंट में नाम चेंज हो सकते हैं, तो इन दोनों को तो हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बदल भी सकते हैं, दोनों बदल जाएंगे तो नाम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला कंक्लूजन हमारा नेगेटिव है और ये वाला कंक्लूजन पॉजिटिव है, नाम सेम थे, पॉजिटिव नेगेटिव भी, अब बस गलत निकलने चाहिए दोनों के दोनों। तो देखिए इसमें पूरे में ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी नेगेटिव नेगेटिव है देखिए बीच में, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कि नेगेटिव वाला गलत हो जाएगा, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि ये गलत है हमारा या सही है। तो देखिए हॉट डॉग और कोल्ड ड्रिंक, तो देखिए हॉट डॉग हमारे पास ये रहा, कोल्ड ड्रिंक हमारे पास ये रही। अब यहाँ पर अगर हमें मर्ज करना है तो मर्ज कैसे होगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास टी एंड हॉट डॉग है, यहाँ पर कॉफी और कोल्ड ड्रिंक है, यहाँ पर टी और कॉफी है, तो हमें जो जो है सबसे पहले हमें इनको मर्ज करना पड़ेगा। तो क्या ये मर्ज हो सकता है, ये टी जो है 100 कमा रहा है, ये टी यहाँ पर 50 कमा रहा है, तो मर्ज तो हो सकता है क्योंकि ये 100 है और ये 50 है। उसके बाद ये कॉफी जो है, क्योंकि जब इस वाली स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे तभी जाके हम कोल्ड ड्रिंक तक पहुंच सकते हैं, तो ये कॉफी कॉफी कॉमन तो है, बट यहां भी कॉफी कितने कमा रही है, सम 50, और यहां भी कॉफी कितने कमा रही है, 50। लेकिन जो कॉमन है उसमें से एक कॉमन का 100 होना जरूरी है, लेकिन यहां पर 100 नहीं है, तो ये मर्ज नहीं होगा, और मर्ज नहीं होगा तो हम इसका आंसर
नहीं दे सकते, गलत हो जाएगा। जब हम इसका आंसर नहीं दे सकते तो फिर इसका भी तो आंसर नहीं दे सकते, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आपका होगा वो होगा आइदर और केस में आपका लग जाएगा, आइदर ए और बी आर ट्रू। देखिए इसी के साथ अब अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, नाइदर नोर केस। नाइदर नोर केस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। नाइदर नोर केस का मतलब यही है कि जैसे हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था, या तो पहला सही है, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों गलत होंगे। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन क्या है, इसमें ज्यादा कंडीशन होती नहीं, आपको इसमें कंडीशन का ज्यादा ध्यान में नहीं रखना। सबसे पहली कंडीशन इसमें दे रखी है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स, दोनों आपके गलत निकलने चाहिए। एलिमेंट ऑफ कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट और सेम, यानी कि नाम जो है वो सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। जैसे सेम पिछला जो हमने आइदर और केस में देखा था तो वहां नाइदर नॉर लगा था, नॉट इन कंडीशन आइदर और केस, यानी कि वो आइदर और केस में नहीं आना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है, नाम सेम हो या नहीं हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट दोनों गलत निकलने चाहिए, लेकिन आइदर और केस नहीं होना चाहिए वो। और पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर आपको एक पॉइंट नोट करना है, वो आपको दिया हुआ है कि पॉसिबिलिटी केस ऑल्सो चेक, यहां पर पॉसिबिलिटी वाला केस भी चेक करते हैं। अब यहां पर आपको स्टेटमेंट दे रखी है, ये देखिए चार स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको जल्दी करना है तो आप स्टेटमेंट बाद में पढ़ना, पहले कंक्लूजन देखिए। कंक्लूजन आपको दे रखा है कि टाइम एंड फोन, तो आपको फोन और टाइम ढूंढना है। तो देखिए टाइम हमारे पास ये रहा, टाइम हमारे पास ये रहा, फोन ये रहा, और इस दोनों स्टेटमेंट में बिजी कॉमन है। अगर ये बिजी मर्ज हो जाता है तो फिर हम टाइम और फोन का रिलेशन बता सकते हैं। तो देखिए सम का मतलब होता है यहाँ भी 50 हो जाएगा, ऑल का मतलब 150 होता था, ये 50 आ जाएगा। तो ये बिजी जो है कॉमन तो है लेकिन 50-50 है, एक बिजी का 100 होना जरूरी था, तो ये मर्ज नहीं हो सकता। अगर मर्ज नहीं हो सकता तो हम टाइम और फोन के बीच में रिलेशन नहीं बता सकते, तो नहीं बता सकते तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर हमें दे रखा होम और बिजी, अब होम और बिजी के पास हमें पहुंचना है। तो देखिए बिजी हमारे पास ये रहा, बिजी तो यहीं पे आपके पास डायरेक्ट ना, ये बिजी रहा और ये टाइम रहा, ये आपका होम रहा, ठीक। तो यहाँ पर तो हमारे पास टाइम जो है वो कॉमन है, और जो टाइम कॉमन है उसमें से एक टाइम हमारा 100 भी है, तो ये भी 100 है और ये भी 100 है। हमें एक टाइम जो है वो 100 चाहिए था, यहाँ पर दोनों है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखा जाएगा तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और एक स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो आपका कंक्लूजन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो नेगेटिव ही निकलेगा। और यहाँ पर कंक्लूजन हमें क्या दे रखा है, ये कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, तो ये वैसे ही सही नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नाइदर ए नॉर बी, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। ये एक आखिरी सवाल है नाइदर नॉर से, उसके बाद नेक्स्ट टाइप में देखेंगे। फिर स्टेटमेंट हमें दे रखी है, कंक्लूजन दे रखे हैं, तो कंक्लूजन सबसे पहले देखते हैं। देखिए एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है इसको आपको लेने नहीं, एटलीस्ट मतलब कम से कम, सम सम मतलब कुछ, कम से कम कुछ। तो यहां पर हमें सिर्फ यहीं से स्टेटमेंट हमें पढ़नी है, इसके पीछे की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सम, सम वाली कंडीशन है, तो देखिए सम वाली हमेशा ठीक होती है, या तो आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट हो, यह जो स्टेटमेंट है इनडायरेक्ट भी हो सकती है लेकिन वो मर्ज हो जाए, तो आपकी दोनों सही निकलेंगे। क्योंकि अगर 50-50 कमा रहे हैं तो 50-50 खर्च कर सकते हैं, 100-50 कमा रहे हैं तो भी 50-50 खर्च कर सकते हैं। तो देखते हैं शर्ट और पैंट, तो शर्ट हमारे पास सबसे ऊपर ही ऊपर, ये देखिए शर्ट रही, ये हमारे पास पैंट रही, और दोनों में कॉमन है टॉप। तो टॉप अगर कॉमन आपको दे रखा है तो ये टॉप जो है ये भी सम वाली स्टेटमेंट है, ये भी सम है, तो ये कॉमन तो है लेकिन मर्ज नहीं हो सकता, तो मर्ज नहीं हो सकता तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर हमें दे रखा है टॉप और जींस, तो टॉप हमारे पास ये रहा, जींस हमारे पास ये रही, दोनों में कॉमन है पैंट, लेकिन फिर से स्टेटमेंट सम वाली है, कॉमन तो है लेकिन 50-50 कमा रहे, मर्ज नहीं हो सकता, मर्ज नहीं हो सकता तो ये भी कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर होगा नाइदर ए नॉर बी, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। तो इसी के साथ हमारा जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो है, इस पे बेसिस पे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं, चाहे वो आपके एसएससी के हों, रेलवे में आते हों, या फिर आपके यूजीसी नेट के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, ये यूजीसी नेट में आपके आते ही आते हैं इसके बेस पे क्वेश्चंस। और बस एक बैंकिंग के रिलेटेड का भी कुछ परसेंट आपका हो चुका है, थोड़ा सा बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बचते हैं, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बना के आप तक पहुंचाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।